हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं अभी मायके आई हूँ, और मायके आई हूँ और कपड़े का वीडियो नहीं बनाऊँ वैसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस बार भी मैं कपड़े का वीडियो लेके आई हूँ, सिंगल रिंगू का वीडियो। लेकिन ये वाला कलेक्शन मेरा वाला नहीं है, मेरे छोटे वाले भाभी का है। फिर भी कोई नहीं, आप सभी को एक आइडिया मिल जाएगा। वो सोच के मेरे भाभी को बोला, भाभी कपड़ा निकालो प्रेजेंटली जो अवेलेबल है, क्योंकि उसका भी यहाँ पे आधा है, उसका घर में उसका मायके में आधा है, हर किसी का वही सिचुएशन है। तो कुछ कुछ यहाँ रखती है, कुछ अपने मम्मी के घर रखती है, लेकिन प्रेजेंट जो अवेलेबल है यहाँ वो आप सभी को दिखाऊंगी, तो आप सभी को एक आइडिया मिल जाएगा। और मेरा वाला कलेक्शन मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तब दिखाऊंगी। और साउंड को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, हम लोगों का बकरी भी सामने ही बांध के रखा है, उसका ही मैं कर रहा है। सबसे पहले है ये, देखिए बॉटल ग्रीन में। एक्चुअली ये कलर बहुत सुंदर लगता है मुझे, क्योंकि जब लगाते तो ये थोड़ा ब्राइट करता है, तो यही ये खासियत है इस कलर का। और इसका रिखू देखिए 13 गौनसे में है, ये फाटा उबार इसका तो पता नहीं। और तो ये फूटा भी देखिए, तो ये एक हो गया। दूसरी वाली है ये तो रजम भाई रिखू, ये रजम भाई रिखू देखिए, ये हाँ ये बहुत सुंदर लगा मुझे भी। मैंने भी इस बार आके ये देखा है, ये पूरा नया है, इस चीज भी नहीं किया है मेरे भाभी ने, तो ये नया है पूरा। और इसका फूटा भी पहले का जो दिखाया वो सिमिलर फूटा है। तो ये दूसरा, ये बहुत सुंदर है और कपड़े का फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है। ओ मामूरी है गुब्बा, दिव्यांश भी देख रहा है। तो इसका रिकू देखिए, ये बहुत सुंदर से बनाया है, इसका जो ये बोखरो रिकू बोखरो। आज थोड़ा साउंड को इग्नोर कीजिएगा, मेरा सराउंडिंग में ही सब कुछ है, चल रहा है साइड में। तो ये इसका बोखरो बहुत सुंदर है देखिए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इसका बोखरो। और ये तो फूटा तो देखिए, तो ये बहुत सुंदर है। नेक्स्ट है ये तो मैंने ही बनाया है, लेकिन ये भाभी का वाला है। ओ इसका वाला मैं फूटा आप सभी को दे दूंगी, ये फूटा बहुत सुंदर है देख लीजिए ये फूटा। तो इसका मैं शेयर ग्राफ डालूंगी, और इसका नीचे में तो ये देखिए। नेक्स्ट जो जो बाठरों में बनाएंगे आप लोग ये अटेम्प कर पाएंगे, देखिए बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। तो ये हो गया। और नेक्स्ट भी है ये रिजम पाई रिखू में, तो ये नेक्स्ट ये रिजम पाई रिखू भी, ये भी पूरा नया है मेरे भाभी का, मतलब नया नया कितना सारा है। देखो स्टिच भी नहीं किया, अभी शादी का सीजन आएगा तब तो शायद स्टिच करवाएंगे, क्योंकि अभी समर है, अभी तो ऐसा कुछ लगाने का ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए स्टिच नहीं करवाया। तो ये वाला भी पिंक कलर के साथ बहुत अच्छे से मैचिंग हो रहा है मेरे हिसाब से, मुझे मतलब बहुत सुंदर लग रहा है कॉम्बिनेशन। तो आप लोग भी अटेम्प्ट कर पाएंगे ये पिंक कलर के साथ। और इसका फूटा तो ये नेक्स्ट है रेड कलर में, सिंपल चाहिए देखिए, बहुत सुंदर है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है और अच्छा खासा बड़ा भी है। और मैं यहाँ अभी ऑडियो दे रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा वो लोग बात कर रहे हैं, यहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पर आगे मेरे फैमिली मेम्बर सारे गप मारने लग गए। और ये दोनों कॉटन का, ये सेम प्रोजेक्ट का है, इसमें हम लोगों ने 8 पीस बनाया, मेरे बड़ी भाभी का 2, मेरा 2, मेरे छोटी भाभी का 2, मेरे मम्मी का 2 करके 8 बनाया टोटल, जो सिंपल सा ही है। और इसका फूटा भी बहुत सुंदर सा है, सिंपल सा। और अभी नेक्स्ट जो दिखा रही हूँ ये मेरा वाला है, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ लेकिन इतना ज़्यादा आवाज़ है इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। और ये कुछ जो सामने था वही दिखा रही हूँ, ये एक येलो कलर में है जिसे लगा चुकी हूँ। और इसका फूटा देखिए बहुत सुंदर है, छोटा छोटा में मतलब कि बहुत सुंदर लगता है मुझे, तो ये बहुत सुंदर है, इन फ्यूचर में श्योर एटम करूँगी ये वाला फूटा, क्योंकि ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, देखने में भी अच्छा लगता है। और इसका रिखू तो दिलम्बलाई समटाइमिन और खैलुम बकरो। तो ये वाला एक हो गया। नेक्स्ट मैं ये दिखा रही हूँ, ये
है। ऑरेंज कलर में ये वो वाला प्रोजेक्ट है जहाँ पर मैंने बोला था मेरा एक रिकू सेट का वाला रिकू ख़राब हो गया क्योंकि मैंने उसमें फॉल्स नहीं लगाया और जिससे उसका हुक अटक के मतलब थोड़ा कपड़ा ख़राब हो गया। तो ये वाला सेम प्रोजेक्ट है ये ऑरेंज वाला, अभी भी इसमें फॉल्स नहीं लगाया है लेकिन अभी मेरे पास मशीन है तो इन फ्यूचर में लगाऊँगी। और तो इसमें तो मैंने दो रिगू बनाया, एक चादर बनाया था, तो ये दूसरा वाला रिगू है, सॉरी तीन रिगू है, एक चादर, एक रिगू लास्ट एक वीडियो में भी दिखाया था। तो ये रिगू बहुत सुंदर है और फूटा भी बहुत बड़ा है, इसका फूटा का भी मैं ग्राफ दूंगी इन फ्यूचर। और तो रिगू तो ये रटावलाई ब्लाई में भी थोड़ा डिफरेंट होता है, हर कोई थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेते हैं, तो इसमें मैंने भी थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। तो इसका भी इन फ्यूचर में ज़रूर वीडियो दूंगी। और ये वाला कलर बहुत सुंदर है, देखिए ये स्काई ब्लू भी नहीं कैसा मैं बोलूँ, लेकिन ये बहुत सुंदर है, देखिए बहुत वैरायटी। ये एक साल ही हुआ है, ये ज़्यादा अभी नहीं हुआ। आज तो मेरा बैकग्राउंड का साउंड इग्नोर कीजिएगा, हर कोई बोलने में लगा है मेरे साथ। तो ये देखिए, वैसे तो ये बहुत सिंपल है लेकिन इसका कलर कॉम्बिनेशन मतलब दो तीन कलर दिया है बोल के इसका अलग ही सुंदरता है। और फूटा भी छोटा छोटा, जो ज्यादा मेहनत भी नहीं और देखने में भी बहुत सुंदर, और ओवरऑल इसका कलर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लास्टली ये थोड़ा पुराना है, पुराना डिजाइन का है लेकिन रेगुलर लगाने के लिए ये बेस्ट है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है क्योंकि ठीक है एक्सेप्शनल मतलब कुछ ओकेजन में लगाने है उसके लिए तो हम लोग थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा शादी में मतलब कि पड़ोसन के घर में जाना है तो ये सब ठीक है, लेकिन रेगुलर आस पड़ोस में लगाना है तो इसके लिए ये बेस्ट है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता, सिंपल में ही है। देखिए इसका भी छोटा सा ही फूटा है, इन फ्यूचर श्योर डालूंगी इसका फूटा भी। तो ये हो गया आज का, जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ, पूरा रेडी हो गई हूँ, फिर भी सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ। तो इन फ्यूचर ये भी इसका रिकू में डालूंगी जो बहुत सुंदर है। और तो ये इसका भी ये बहुत सुंदर है, आप लोग अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो श्योर आप लोगों के लिए मैं भी ये फोटा बना के ग्राफ में नेक्स्ट ग्राफ जब बनाऊंगी तब डालूंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना नंदी ब्याज, मामू का चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बोलो बाय बाय, वो वीडियो देखने में बिजी है। तो आई होप आप सभी को मेरा कपड़े का कलेक्शन आज का अच्छा लगा होगा, कुछ मेरे छोटे भाभी का और दो तीन मेरा। तो इन फ्यूचर जब आऊंगी मायके और नया वीडियो दिखाऊंगी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।